सो दिस इज डे 4 इन मलेशिया। अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होता है, पूरा व्यू दिख रहा है, जेंटिंग आइलैंड भी दिख रहा है यहाँ से। ये वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, ये सेकेंड नंबर पे है बुर्ज खलीफा के बाद। मनी मतलब यहाँ गर्मी बहुत हो रखी है अभी। अरे बाबा रे, यहाँ तो मस्ती है। ये केव इतना ज्यादा सुंदर है, तो आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। यहाँ फुल फील आ रही है बैंकॉक वाली। दिस इज अ ह्यूज ग्लास, वो ललचा रहे हैं तेरे पापा साहब। थोड़ा डिफरेंट है, हल्का सा डिफरेंस है। सरप्राइज, उसने बोला चलो फूड मसाज कराते हैं। मलेशिया ट्रिप का बेस्ट नाइट था आज। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज डे 4 इन मलेशिया। अभी कुछ बज रहे हैं 9:35। तो हम लोग सबसे पहले ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे, देन उसके बाद देखते हैं क्या प्लान करते हैं, हम कहाँ जाते हैं। सो आई विल अपडेट यू एंड कैच यू आफ्टर सम टाइम। गाइज वी आर रेडी, और आज हमने डिसाइड किया सबसे पहले हम केएल टावर जाएंगे। जितना पहले जाएंगे शायद वहाँ भीड़ कम हो, बट वहाँ जाके पता चलेगा क्या है। तो अभी बज रहे हैं 11:45, 12 बजे तक निकल जाएंगे हम। और आज दिस इज माई गेटअप टुडे, लेट्स गो। तो ये है आज का श्रीनिका का गेटअप। आज श्रीनिका ने शर्ट पहना है टी शर्ट के साथ, शी इज लुकिंग सो क्यूट। भाई इसको कुछ दिख गया वहाँ पे, वो सिटी टूर के ये होटल से, यहाँ पे सिटी टूर पैकेजेस होते हैं और कुछ कुछ पैकेजेस है, तो उसी के बारे में है ये। हमने अभी कैब बुक कर ली है, आ जाएगा बस 5 मिनट्स में, देन वी विल गो टू केएल टावर फर्स्ट। चलो ऊपर चलते हैं। ही जो कल हम लोग पेट्रोनास में हो रहा था वो मिस कर गए थे, तो जैसे यहाँ पहुँचे जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, तो अभी यहाँ पे न्यू ईयर के लिए स्पेशल ड्रैगन डांस जो हुआ वो देखा हमने। श्रीनिका ने बहुत इन्जॉय किया एंड मैंने भी पहली बार देखा, तो एक्सपीरियंस वाज गुड। ऑब्वियसली एक नए जगह आके नया डिफरेंट यहाँ का कल्चर, फेस्टिविटीज़, ये सब देखना और इन्जॉय करना, वो अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो अभी सौरभ भी अभी लाइन पे लगे हैं यहाँ, तो हम लोग टिकट लेंगे स्काई डेक एंड स्काई बॉक्स का, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें। तो चलो ऊपर चल के आपको व्यू दिखाऊंगी। ये है इसका प्राइस यहाँ पे। तो हम लोग आगे ऊपर, पूरा व्यू दिख रहा है, जेंटिंग आइलैंड भी दिख रहा है यहाँ से, सब दिख रहा है। वाओ, ये रहा पेट्रोनास ट्विन टावर। ये वाला टावर बिल्डिंग जो है ये हमारे होटल रूम से अभी दिखता है, वो यहाँ से कितना बड़ा लग रहा है देखने में, अमेजिंग। स्काईबॉक्स 2 है। बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है यहाँ से, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। और स्काईबॉक्स 1, तो यहाँ पे क्या सीन है कि स्काईबॉक्स में जाने का यहाँ पे नंबर्स दे देते हैं, हमें उस नंबर के हिसाब से वेट करना होता है, फिर अंदर स्काईबॉक्स में जाके हम व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ये चीज़ भी अच्छा है क्योंकि फिर ज़्यादा रश ही नहीं होता है, भीड़ भाड़ नहीं होता है, मैनेजेबल रहता है, लोग होते हैं ना काफ़ी, तो अच्छे से मैनेजेबल रहता है। इस चक्कर में नंबर्स दिए हुए हैं तो सही है, हमारा दिखा रहा है अभी तो 2 घंटा वेट टाइम है, बट आई होप 2 घंटा नहीं लगेगा, जल्दी ही हो रहा है सब, तो ठीक है देखते हैं। ओ
वहाँ पे वो पूरा जेंटिक आइलैंड दिख रहा है, वो पहाड़ हिल, हम लोग वहाँ गए थे सबसे पहले। भाई यहाँ से कितना दूर दिख रहा है, कितना सुंदर व्यू आ रहा है। यहाँ पे ये वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, ये सेकेंड नंबर पे है बुर्ज खलीफा के बाद टॉलेस्ट में। ये अभी हमने गूगल किया, यहाँ पे देखो फर्स्ट में है बुर्ज खलीफा, सेकेंड में है मर्डेका, मर्डेका बोलेंगे ना, मर्डेका 118। बहुत बड़ा है वो, हम लोग यहाँ बैठे हैं ना तो यहाँ से बहुत ह्यूज दिख रहा है, मतलब कैमरे पे पता नहीं चल रहा है बट ये बहुत बड़ा है सच में देखने में। हम लोग एक और स्काई डेक गए थे सिंगापुर में जो है मरीना बे सैंड्स, उसका तो कुछ 56 या 7 फ्लोर है। तो ये इसमें फ्लोर तो कुछ खास है नहीं, 15 फ्लोर बना रहा है क्योंकि बिल्डिंग प्रॉपर बिल्डिंग वाली बिल्डिंग नहीं है। 421 meters ऊपर, एकदम ऊपर आके स्काई ऑब्जर्वेशन डेक, वहाँ ऊपर आके बहुत ऊपर है, लिटरली बहुत ऊपर है उससे तो जो सिंगापुर वाला है। तो यहाँ से सच में व्यू बहुत दूर दूर तक दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। हमने यहाँ से फोटो निकलवाई है वहाँ पे, तो यहाँ फोटोज दे रहे हैं आप, तो इसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस है। बड़ा सुंदर से बुक करके बना के दे रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी, बड़ा सुंदर है इसलिए हम भी सोच रहे हैं निकलवा लेते हैं। नो नो डोंट टच इट, हाँ फोटो दीच्छे दीच्छे, हाँ ओके नाइस, मनी 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 ओके ओके, थैंक यू सो मच, से थैंक यू, थैंक यू। हम लोग यहीं से उतर के मोगुल महल में खाना खा लेते हैं, चलो। तो हम लोग फाइनली यहाँ खाना खाने बैठ गए, ऑर्डर हमने डिसाइड किया है, मैं चिकन फ्राइड राइस खाऊंगी और सौरभ ने ऑर्डर किया है राइस एंड एग करी, बस यही, क्योंकि सुबह इतना हमने खाया था तो अभी सिंपली खा रहे हैं। और ऊपर हमें अच्छा लगा डेफिनेटली, अगर वेदर अगर ज्यादा हॉट ना हो, वैसे इतना भी हॉट नहीं था, ऊपर सब कुछ करके रखा था, हवा चल रही थी बहुत अच्छी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमें हाँ वेटिंग टाइम हमें 1.5 घंटा लगा, बट उस बीच में हमने टाइम पास किया, रिलैक्स किया, व्यू एंजॉय किया। वेटिंग टाइम हमें पता ही नहीं चला कि इतना टाइम का गैप हुआ भी, तो हमने व्यू एंजॉय किया, थोड़ा फोटो क्लिक किया, थोड़ा बैठे घूमे, ऐसे ही टाइम चला गया, पता नहीं चला। तो इट वाज नाइस, एक्सपीरियंस वाज नाइस, डेफिनेटली यू कैन कम एंड विजिट केएल टावर इफ यू आर इन कुआलालंपुर, इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस, क्योंकि बहुत ऊंचा है, बहुत हाई से काफी कुछ दिखा, बहुत अच्छा व्यू दिखा हमें। एंड कुआलालंपुर में आई थिंक 2-3 towers यहाँ पे बड़े बड़े हैं जो टॉप 20 में आते हैं, तो सही था एक्सपीरियंस आना एंड सब कुछ ऑब्जर्व करना, देखना, एक एक चीज़ दिख रही थी यहाँ पे। अगर आप जाके नहीं देख रहे हो तो दूर से ही व्यू में दिख रहा था, यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े मॉस्क भी हैं, मैं दूर से दिख रहा था, बहुत सुंदर सुंदर है। तो बस अभी लंच करते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो अभी कॉम्प्लीमेंट्री पापड़ देखे गए श्रीनिका के लिए, वही एंजॉय कर रही है श्री अभी, वेरी टेस्टी। तो लंच आ गया, ये है सौरभ का राइस एंड एग करी एंड ये है मेरा चिकन फ्राइड राइस। तो भूख लगी है बहुत, लेट्स स्टार्ट ईटिंग। थैंक यू। मैंने क्यूट सा रबर बैंड लिया, ये वाला बाल बांधने के लिए, मैं रबर बैंड लाना भूल गई थी। एक फ्रिज मैग्नेट भी ले लिया हमने, ये वाला फ्रिज मैग्नेट लिया हमने। तो हम लोगों ने अभी कैब कर ली है, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट बाटू केव्स। लास्ट में डिनर के लिए यहाँ का कोई फेमस स्ट्रीट फूड एरिया है, आई थिंक बकेट बटोंग करके कुछ नाम है, एग्जैक्टली याद नहीं है, जब जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो यही हमारा प्लान है आज का। और श्रीनी का बहुत खुश है, स्क्विशी लेके देखो दबा के एकदम ऐसे लग रहा है फोड़ देगी। स्क्विशी, ओह माय गॉड, सो क्यूट, सो क्यूट। श्रीनिका से कोई पूछता है ना कि व्हाट इज योर नेम, ये बोलती है आई एम श्रीनिका। अभी जहाँ से हमने इसका ये टॉय लिया
वहाँ पे वो एक थी लेडी, वो पूछ रही थी कहीं भी जा रही है ना ये, वहाँ पे सब लोग इसको हाय हेलो व्हाट इज योर नेम ये वो खेल रहे हैं इसके साथ, है बहुत पैम्पर कर रहे हैं लोग यहाँ पे मलेशिया में। पहुंच गए हैं बाटू केव्स के बाहर, मतलब यहाँ गर्मी बहुत हो रखी है, अभी 4 बज रहे हैं बेसिकली। हाँ जल के ना, तो हमने सोचा थोड़ा 5-10 मिनट यहाँ रेस्ट ले लेते हैं, चल के आए हैं पार्किंग एरिया से काफी दूर से, फिर 10 मिनट बाद वहाँ ऊपर जाएंगे। सी कितना सुंदर लग रहा है ये देखो, मतलब कैमरे में पता नहीं चल रहा है बट ये सीरी एंड साइड में भगवान कार्तिक भगवान है बेसिकली मुर्गन, तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में। सीढ़ी चढ़ रही है छोटे छोटे पैरों से, पूरा तो देखते हैं कितना ही चढ़ पाती है। इतना श्रीनी का सीढ़ी चढ़ चुकी है, हम लोग डर रहे थे कि इस सीढ़ी से श्रीनी को गोदी में लेके जाना पड़ेगा बट श्रीनिया काफी हद तक ऊपर आ गई है सीढ़ी चढ़ चढ़ के, और अभी भी बोली नहीं है, चढ़ रही है अकेली खुद ही देखो। श्रीनी का हाफ तक चढ़ पाई, उसके बाद थक गई तो अब उसे गोदी में ले लिया है हमने। पूरी पावरी देखने तो मंकी अच्छे या तो मंकी है। गुड जॉब हाँ चलो फाइनली पहुंच गए एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल सी। बहुत अच्छा, बहुत पीसफुल प्लेस है और डेफिनेटली देखने लायक केव है ये, सो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, मतलब ये केव इतना ज़्यादा सुंदर है, मतलब आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल केव है ये। श्रीनिका ने पिजन देख लिया, उसके साथ खेलना चाह रही है। यहाँ पे बहुत रूस्टर्स भी है, पिजन्स भी है और मंकीज भी है, श्रीनिया खूब एंजॉय कर रही है। चलो सामने जाए यार, वो अच्छे मंकी अच्छे सामने। सो गाइस हम लोग रूम पे वापस आ गए, होटल रूम पे, ऐसा थके हम लोग बाटू के जब उतर रहे थे ना, इतना धूप पड़ रहा था हमें फेस पे उतरते उतरते, एक्चुअली चढ़ने में भी थक गए थे बट उतर के लगा नहीं भाई एनर्जी ड्रेन हो रही है, हमने सोचा चलो अब रेस्ट करते हैं थोड़ा होटल में जाके, टाइम भी था हमारे पास, सो अब हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, मैं आपको इवनिंग में मिलती हूँ। सो वी आर रेडी, और श्रीनिका काम डाउन में डांस कर रही है सी। यार डांस है श्रीनिका का, चलो बाहर चलते हैं। हम लोग जा रहे हैं जालन एलोर, यही नाम है ना, जालन एलोर करके जगह है, वो स्ट्रीट फूड एरिया है, वहाँ जा रहे हैं हम एक्सप्लोर करने एंड डिनर भी वही कर लेंगे। मैंने आज वो पहना जो आउटलेट मॉल से G2000 से खरीदा था ड्रेस, वही पहना है, यही वो ड्रेस है जो मैंने खरीदा था और अच्छा लग रहा है। सॉरी सेइंग कि तुम सिंगापुर की या यहाँ की चाइनीज जैसी लग रही है, क्योंकि वो लोग यूजली ऐसे ही माइल्ड कलर्स पहनते हैं, सॉलिड कलर्स पहनते हैं। और ये मैंने एक बुक आज दिन में खरीदा था KL टावर से, बाल बांधने के लिए कुछ था नहीं तो वही बांध लिया मैंने, तो इसके साथ मैच भी कर रहा है, अच्छा लग रहा है। सो लेट्स गो। आश्री ने भी पिंक फ्रॉक पहना है मम्मा की तरह, थोड़ा लूज था तो पीछे से सेफ्टी पिन डिजाइन करके लगा दिया थोड़ा, कितना अच्छा लग रहा है, नाइस।
तो ये बिल्कुल पास में ही है, इसलिए हम पैदल जाएंगे, चल चल के जाएंगे। सो लेट्स गो। यहाँ साइड में बहुत सारे बार्स एंड रेस्टोरेंट भी है, काफी लोग बैठे हैं, देख रहे हैं। यहाँ बहुत सारे जगह है चिलवाने के लिए। इट्स काइंड ऑफ मिनी थाईलैंड, हम ऐसा फील आ रहा है, तो हम गए नहीं है बट हाँ यहाँ वैसा लग रहा है। यहाँ पे वो बाली उबुद सेंट्रल मार्केट था, जो वहाँ जैसा भी फील आ रहा है। हम लोग उल्टे रास्ते आ गए, उस तरफ जाना था हमें सीधा के, लेफ्ट साइड जाना था, राइट साइड आ गए हम लोग। यहाँ पे फूट मसाजेस भी हो रहे हैं। यहाँ फुल फील आ रही है बैंकॉक वाली, तो हम गए नहीं है बट वैसे ही है पूरा एरिया, बहुत हैपनिंग है। साटे भी मिल रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छे साटे हैं। हाँ यही वो स्ट्रीट है। फ्रूट्स मिल रहे हैं, बहुत फ्रेश फ्रूट्स यहाँ के। थाई स्नैक्स, जैकफ्रूट स्टिकी राइस, मैंगो स्टिकी राइस, बहुत कुछ है। कोकोनट वाटर खावे श्रीनिका? हाँ एक तो नहीं है ना, एक कोकोनट वाटर ले लेते हैं। हाँ चलो कोकोनट वाटर। तो इतने दिनों में फाइनली अभी कोकोनट वाटर मिला, कोकोनट वाटर खा लेते हैं, आई मीन पी लेते हैं। श्रीनिका को भी टॉयज दिख रहे हैं, हलबला गई है, है? अभी बहुत कुछ है यहाँ। कितना बड़ा कोकोनट ग्लास है ये, सी बहुत बड़ा है, इज अ ह्यूज ग्लास। अच्छा है, रिफ्रेशिंग है, मीठा भी है पानी। अमेजिंग मार्केट यार, तुम्हें देख के पागल हो रही है। वो ललचा रहे और ये देख रहे पापा साहब। अच्छा सामने देखी, सामने आगे देखते और भी होगा, चलो बावरी। अंकल ने डिस्काउंट दे दिया। हाँ सो हैप्पी डांसिंग डॉल, आप बार्बी डॉल भूल गई, मिल गया टॉय। बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत सब बहुत कुछ ऑप्शन है यहाँ खाने के लिए, बहुत कुछ है भाई, बहुत सारे डम्पलिंग्स है। उस तरफ से भी ऑप्शन है, देखो करी डम्पलिंग। हाँ ये रहा ना, तो हम लोग डम्पलिंग्स ट्राई करेंगे। ये रहा ब्लैक पेपर चिकन डम्पलिंग, ये है वो चिकन डम्पलिंग, मैं ट्राई करके देखती हूँ कैसा है खाने में। A few moments later. पूरा मोमो जैसा है, पर थोड़ा डिफरेंट है, हल्का सा डिफरेंस है। अरे कहना क्या चाहते हो? पर मोमो की याद आ रही है, अच्छा है। You like it? हमने मार्केट घूम लिया, इट वॉज अमेजिंग, डेफिनेटली यहाँ पे भी आना चाहिए, हमें तो बड़ा मजा आया, हमें बहुत अच्छा लगा। श्रीनी का भी खुश हो गए, उसको टॉय मिल गया। अब हम फूड मसाज कराएंगे, इज सरप्राइज, उसने बोला चलो फूड मसाज कराते हैं, चलो 45 मिनट का फूड मसाज। हमने फुट मसाज ले लिया है,
इतना ज्यादा अच्छा था ना, इतना ज्यादा अच्छा था, इतना रिलैक्सिंग था, नींद आ गई हमें. आई नो स्टैट्स सुन के लग रहा होगा मैं ब्रैग कर रही हूँ, बट नहीं, इट इज़ ट्रू. बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. लाइफ में पहली बार मैंने शायद फुट मसाज पहली बार ही लिया है मैंने ऐसे बाहर आके, तो एक्सपीरियंस वॉज अल्टीमेट. डेफिनेटली आना चाहिए फुट मसाज अगर हाँ कुआलालंपुर आया तो डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग इट. तो अभी चलो कहीं बैठते हैं जाके खाने के लिए. ये देखो आगे जाके देखते हैं कहाँ बैठेंगे. लेट्स गो. फेमस फॉर कॉकटेल्स एंड पाइज. यहाँ जा रहे हैं चलो. चार तीन वाला सीट है, बाहर साइड में बैठते हैं. अमेजिंग वाइब है यहाँ, लाइव म्यूजिक चल रहा है. जा रहे हैं रूम पे. बहुत मजा आया, हमारे मलेशिया ट्रिप का बेस्ट नाइट था आज. अभी 10:30 बज रहे हैं, तब होटल रूम पे जाएंगे, देखते हैं वहाँ जाए कुछ ऑर्डर कर लेंगे सोच रहे हैं. और श्रीनिका ने तो इतनी मस्ती की, हमसे भी ज्यादा मस्ती की, इतने लोगों से फ्रेंडशिप कर ली, न्यू इतने सारे फ्रेंड्स बन गए थे. बहुत डांस किया, बहुत मजा आया. ये देखो इसका टॉय मिल गया. ये मेरे सिर में बालों में चिपका पड़ा था, हमें लगा गिर गया. फिर मैं वॉक कर रही थी, देखा क्या लटक रहा है मेरे बाल में, फिर देखा डॉल लटक रहा है. एंड शी वाज सो हैप्पी आफ्टर दैट. यहाँ एक चीज यूनिक देखा हमने, यहाँ टैक्सी की स्पेलिंग TAXI नहीं होता, TEKSI. ठीक है, सही है, इनके हिसाब से इन्होंने स्पेलिंग रखा है. चलो अब थोड़ा पानी शानी ले लेते हैं. बहुत कुछ है रेडीमेड खाना, बस माइक्रोवेव में गर्म करो और खा लो ऐसे वाले खाने से. नाइस, 7-11 जैसा बेसिकली. चलो लेट्स गो, कम ऑन. हम लोग वापस आ गए रूम पे, सब डिनर करेंगे थोड़ी देर में ऑर्डर करके. तो आज का हमारा दिन ऐसे ही रहा, मजा आया बहुत. तो बस अब ये वीडियो मैं यही फिनिश करती हूँ. आई होप यू एंजॉयड इट. ये हमारा मलेशिया का ट्रिप का ये सीरीज, अब मैं ये वीडियो यही फिनिश करती हूँ. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक वॉचिंग माई वीडियोज. तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, एंड थैंक यू सो मच अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो. नाउ आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन बाय एंड टेक केयर. We'll be right back.